में कोरोना मरीजों की संख्या 7 लाख के पार, अब तक 20,000 लोगों की मौत, 1 करोड़ से अधिक नागरिकों ने कराई कोविड की जांच। पूर्वी भारत में भूकंप के झटके, अरुणाचल प्रदेश में भी हिली धरती, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.4, कोई हताहत नहीं। महाराष्ट्र के पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ने लॉन्च की कोरोना टेस्टिंग की नई मशीन, 1 दिन में 400 लोगों की हो सकेगी जांच, कोरोना टेस्टिंग में तेजी की कवायद। केरल के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव का सोना तस्करी में सामने आया नाम, पद से दिया इस्तीफा, यूएई की पूर्व काउंसलेट की गिरफ्तारी के बाद हुआ खुलासा। पीएम केयर फंड से आए वेंटिलेटर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उठाए सवाल, कंपनी ने कहा नादान है राहुल, नहीं जानते तकनीक, फ्री ट्रायल देने को तैयार। महाराष्ट्र में अनलॉक की तैयारी, 8 जुलाई से होटल, लॉज और गेस्ट हाउस खोलने को मंजूरी, फॉलो करनी होगी गाइडलाइंस, लॉकडाउन से 100 दिनों से बंद हैं सभी प्रतिष्ठान। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का ऐलान, सरकार जल्द जारी करेगी फिल्म इंडस्ट्री के लिए नई गाइडलाइंस, शुरू होगी शूटिंग, फिक्की के कार्यक्रम में बोले मंत्री, फिर गुलजार होगी सितारों की दुनिया। बिहार के बेगूसराय में आसमानी बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत, 4 लोग झुलसे, बिहार में वज्रपात से जान गंवाने वालों की संख्या हुई दर्जन के पार। यूपी में सीएम योगी ने आसमानी बिजली से बचाने प्रशासन को दिया निर्देश, जारी करें अलर्ट, टीवी और रेडियो से भी फैलाएं जागरूकता। बिहार के मोतिहारी में शराब से भरा ट्रक बरामद, जब्त हुई लाखों की शराब, तस्कर गिरफ्तार। बिहार में तमाम ऐलानों के बावजूद भी शराब माफियाओं का कारोबार जारी। बाबू टोला अरवलिया कोटवा थाने के अंतर्गत आता है। एक 12 चक्के के ट्रक में शराब होने की सूचना प्राप्त हुई थी। टीम को जब भेजा गया तो एक ट्रक फंसी अवस्था में, मिट्टी में फंसा हुआ था बरसात के पानी में, उसको संदिग्ध अवस्था में देखा गया, उसको लाया गया है, जेसीबी से निकलवा के लाया गया है। उसमें भूसे के बोरे के नीचे 35 ड्रम स्पीड है और फॉरन लीटर है, और दोनों के अनुमानित लागत लगभग देसी शराब मिला 85 लाख से ज़्यादा है। ट्रक वाले के अगेंस्ट जो ट्रक ड्राइवर का नाम मिला है तो उसका ऐप पर देखने पर वो सही पाया गया है, किसी तरह का उसमें एप्लीकेशन नहीं है, उसके विरुद्ध और उस क्षेत्र के जो माफिया हैं उनके विरुद्ध।